नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं जनरल साइंस के बारे में। इसमें बात कर रहे हैं हम लोग जीव विज्ञान, ठीक है, बायोलॉजी। इसमें हम लोग अभी तक 22 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। 22वां चैप्टर कौन सा था? सॉरी, 20 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। 20वां चैप्टर था अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन्स, ठीक है। अब 21वें में देखते हैं विटामिन। विटामिन से हर किसी ना कि हर परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना है, रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको याद रखना है, रतौंधी। विटामिन ए मुख्यतः किस में पाया जाता है? याद रखिए, दूध, घी, गाजर तथा मछली का तेल में, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग। याद रखिए, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग, ठीक है। अब थोड़ा यहीं रोक के हम लोग ए भी देख लेते हैं, चिकित्सा संबंधी आविष्कार और उनके आविष्कारक, ठीक है, क्योंकि ये भी जरूरी रहते हैं। इसी चैप्टर में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग विटामिन, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो आविष्कार है अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा, ये द्वारा चिकित्सा। एक फ्रेंसेन है आविष्कारक, आरएनए, आर्थ अर्ग तथा जेम्स वाटसन है इसके, डीएनए, जेम्स वाटसन तथा क्रिक हैं इसके आविष्कारक। इंसुलिन, बेंटिंग, बेटिंग, एस्पिन, डेजर, एंटीसेप्टिक सर्जरी, लेस्टर, क्लोरो क्वीन, कोनेन, सेंथेटिक, रेवी, क्लोरोफॉर्म, सैमसन तथा हैरिसन। काले बुखार की चिकित्सा यूएस ब्रह्मचारी, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना, टेरामाइसिन फेनले, टीवी के कीटाणु तथा चिकित्सा के लिए रॉबर्ट कोच, टाइफाइड के जीवाणु रोबर्ट, डायबिटीज तथा चिकित्सा एफ बेंटिंग, ठीक है। डीडीटी, ये पाल मुकर हैं इसके आविष्कारक। पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। पोलियो का टीका जांस ई साल्क हैं। पीले बुखार की चिकित्सा रीड हैं। फेलेग तथा पेचिस की चिकित्सा केटा जाटू हैं। बीसीजी, यूरिन कालमेट हैं। वेरी वेरी रोग की चिकित्सा आइजक आइजक मैन ने किया है इसका आविष्कार। बैक्टीरिया लीवेनहॉक, मलेरिया परजीवी चिकित्सा रोनाल्डो रॉस, रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे, रक्त परिवर्तन कार्ल लैंडस्टीनर, विटामिन फंक, स्टेथीस्कोप लाइनेक और स्टेप्टोमाइसिन वॉक्समैन, एल्फाडेक्स डाग मैंग, सेफलिस की चिकित्सा पॉल एरिक, हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा लुई पाश्चर, ठीक है। ये थे हमारे आविष्कार और आविष्कार को। अब बात करते हैं आगे विटामिन की। विटामिन डी किस में पाया जाता है? तो याद रखिए, जिगर, अंडा तथा तो सूर्य के प्रकाश में। ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है विटामिन ई को। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी टू की कमी से कौन सा रोग होता है? केलोसिस। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम नियासन। विटामिन बी थ्री की कमी से चरम रोग सफ़ेद खाल। विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम पेंटाथेनिक। विटामिन बी फाइव की कमी से पेलाग्या रोग होता है। पायरोडॉक्सिन किस विटामिन का नाम है? बी सिक्स का। बी सिक्स की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त छीटता, पेशीएठन और चरम रोग। बी सेवन किसका रासायनिक नाम है? बायोटिन। बी सेवन की कमी से कौन सा रोग होता है? डर्मेटाइटिस, ठीक है, याद रखिए। बात करते हैं हम लोग विटामिन के स्रोत, कार्य और कमी का प्रभाव, ठीक है। तो ये नाम हो गए, ये स्रोत हो गए उनके, ये कार्य हो गए और कमी का प्रभाव, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग
वसा में घुलनशील विटामिनों को देखते हैं। ठीक है, विटामिन ए वसा में घुलनशील है, इसका नाम है रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसका स्रोत है कैरोटीन रंगाओं से, जिगर व आंतीय श्लेष्मा की कोशिकाओं से, दूध संश्लेषित दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली, तेल। कार्य इसका दृष्टि रंगाओं का संश्लेषण, एपिथीलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास। गाजर से भी विटामिन ए मिलता है, याद रखिए। फिर इस कमी से कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का सल्की भवन, रतौंधी, कुठित वृद्धि, जीरोफैथिलीमिया होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरोल, मक्खन, जिगर, मछली का तेल, गुर्दे, अंडे, त्वचा और ईस्ट में सूर्य के विकास में संश्लेषित होता है। इसके कारण हैं कैल्शियम व फॉस्फोरस का उपापचय, हड्डियों और दांतों में वृद्धि। इसकी कमी से होता है सूखा रोग, ऑस्टियोमेलेसिया, जनन क्षमता की कमी और जननांग। ठीक है, विटामिन ई टीकोफेरोल कहते हैं इसे, गेहूँ तेल, गेहूँ अंडे की जर्सी और सोयाबीन में होता है। इसकी कार्य है इसका कोशिका कक्षा की सुरक्षा और एपिथीलियम की वृद्धि। इसकी कमी से जननिक पेशियों का कमजोर होना। फिर विटामिन के, इसे कहा जाता है नेप्थोक्विनोन, हरी पत्तियां, अंडा, जिगर, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि के बैक्टीरिया। इससे इसका कार्य जिगर में प्रोथोमिन का संश्लेषण, कमी का से होता है रोग लग चोट लगने पर रुधिर का धक्का न जमने से अधिक रुधिर स्राव। फिर जल में घुलनशील विटामिन, याद रखिए ए डी ई के चार वसा में घुलनशील विटामिन है। अब विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है बी1, इसे थायमिन बोलते हैं। इसका स्रोत है अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, ईस्ट, अंडे, मांस। इसकी इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, उपापचय के लिए आवश्यक एंजाइमों का सह एंजाइम। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। ठीक, फिर हमारा विटामिन B2, कौन सा B2, इसे कहते हैं राइबोफ्लेविन, पनीर, अंडे, ईस्ट, हरी पत्तियां और मांस, जिगर से होता है। इसका कार्य उपापचय में महत्वपूर्ण संयंजाइम हो, फैट और FMN का घटक। इसकी कमी से कैलोसिया रोग होता है। फिर निकोटिन निकोटिनिक अम्ल, ये ईस्ट, मांस, जिगर, मछली, अंडे, दूध, मटर, मेवा, फलियों से मिलता है। इसका कार्य उपापचय में महत्वपूर्ण संयंजाइमों NAD और NADP का घटक। इसकी कमी से मानसिक एवं त्वचा विकार होता है। फिर विटामिन B3 पाइरीडॉक्सिन, दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली से उत्पन्न होता है। इसकी कमी से प्रोटीन उपापचय में आवश्यक एंजाइम की संयंजाइम और इसकी कमी से रक्त छीणता, चरम रोग, पेशीय ऐंठन होता है। फिर पेंटोथेनिक अम्ल, ये अंडे, जिगर, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना से मिलता है। इसका कार्य है अपचय के सह एंजाइम ए का घटक। इसकी कमी से चरम रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, जनन क्षमता कम होती है। विटामिन एच बायोटिन बोलते हैं इसे, मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल, ईस्ट से। इसका कार्य वसीय अम्लीय अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण क्रिया में से सह एंजाइम। इसकी कमी से चरम रोग, बालों का झड़ना होता है। फिर फॉलिक अम्ल, हरी पत्तियों से, जिगर, सोयाबीन, ईस्ट, गुर्दे, फलियां आदि के जीवाणु से। इसका कार्य वृद्धि रोधी रणुओं का निर्माण, DNA का संश्लेषण। इसकी कमी से होता है मेगालोबास्टिक एनीमिया, कुंठित वृद्धि। फिर विटामिन B12 साइनाकोवामीन, ये मछली, मांस, जिगर, अंडा, दूध आदि के जीवाणु से होता है। इसका कार्य वृद्धि रोधिकाओं रणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण। इसकी कमी से होता है परनीशियस एनीमिया, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी। ठीक है, फिर है विटामिन सी, इसे स्कर्विक अम्ल बोलते हैं, नींबू वंश के फल, टमाटर, सब्जियां, आलू, अन्य फल जो खट्टे होते हैं उनसे होता है। इसका काम है अंतर कोशिकीय सीमेंट, कोलेजन, तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स, दांतों के डेंटिन का निर्माण। इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, याद रखिए। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्तल्पता, कुंठित वृद्धि। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, विटामिन ADEK। कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, विटामिन B1, B2,
B3, B5, B6, B7, B9 और C। ठीक है, तो ये थे हमारे विटामिन्स। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर, जंतु एवं पादपों में जनन।